स्किन आपके पानी इंटेक जो ना वाटर इंटेक गर्मियां सर्दियां कुछ वो पूरा रखें, ठीक है। आपका कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, स्टोमक भी ठीक रहेगा, ब्लड भी बहुत थिक नहीं होगा। स्किन के ऊपर आप वो चीज लगाएं कि जो मॉइस्चर को होल्ड रखे। फ्लैक्स सीड है, अलसी है, इसी को आप एक दो चम्मच अलसी गर्म पानी के अंदर आप डाल लें और उसको ओवरनाइट सोक कर लें। वो अपनी जिल के अंदर जो ऑक्सीडेशन हो गई ना उसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसको रिपेयर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपकी वीडियोस हम बहुत शौक से देखते हैं, बहुत अच्छी टिप्स आप बताते हैं सेहत के हवाले से। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम अपनी स्किन को फ्रेश करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखें, ये बुनियादी तौर पे हक है हर लड़की का। अब आप जैसे जितनी मर्जी स्किन हो उसकी अच्छी हो, लेकिन फिर भी मेरे जैसी रफ स्किन वाले से भी पूछे कि स्किन कैसे बेहतर करनी। जितनी मर्जी गोरी हो लड़की, वो कहेगी मैं और गोरी हो जाऊं, लेकिन ये तो एक लाइटर मूड में था ना। अब उसमें ये कि स्किन बेहतर करने के लिए क्या चीज चाहिए? मॉइस्चराइजर। मॉइस्चर, अब वो मॉइस्चर जो बाहर से नहीं छटा मारा, जो अंदर से है। तो पहली टिप ये है कि पानी पिए। अब बाहर जो मर्जी लगाते रहें, अब साबुन बार बार लगाएंगे, साबुन जो है ना वो आपका मॉइस्चराइजर उड़ाएगा। उसमें बरसात में हो सकता है आयल हो, वो आयल उड़ाएगा। लेकिन जो आपने पानी पिया है ना, स्किन को उसने फ्रेश करना है। पहली ये चीज़ कि स्किन आपके पानी इंटेक जो है ना वाटर इंटेक गर्मियां सर्दियां कुछ वो पूरा रखें, ठीक है। आपका कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, स्टोमक भी ठीक रहेगा, ब्लड भी बहुत थिक नहीं होगा, फ्रेश रहेगा। नंबर एक, कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में? कम से कम आपको दिन में आपको फील करें कि आपको 4-5 दफा वॉशरूम जाने की जरूरत पड़े, ठीक है। ये उस लिहाज से ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। दूसरी चीज ये है कि स्किन के ऊपर आप वो चीज लगाएं कि जो मॉइस्चर को होल्ड रखे। मसलन जैसे ऑलिव ऑयल है, ठीक है। बहुत सारे जो क्रीमें आप क्या लगाते हो, वो आपके मॉइस्चर को होल्ड रखती हैं बुनियादी तौर पे। आपके जो मसाम है वहां से जो वेपोरेट कर रहे हैं खास तौर पे गर्मियों में, उसको रोकते हैं, या तेज धूप में वो भी रोकते हैं, वो लगाएं। फिर कुछ टिप्स ऐसी हैं कि जैसे कुछ थिक वाली चीज है, जैसे फ्लैक्स सीड है, अलसी है, इसी को आप एक दो चम्मच अलसी गर्म पानी के अंदर आप डाल लें और उसको ओवरनाइट सोक कर लें, ठीक है। वो एक जेल सी बन जाएगी, उसके साथ आप एज ए मास्क उसको यूज करें। तो उसके क्या होगा कि वो अपनी जिल के अंदर जो ऑक्सीडेशन हो गई ना उसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसको रिपेयर कर देगी, ठीक है। और उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बेहतर कर देगी, स्किन शाइन ग्लो करना शुरू हो जाएगी। तो ये इजी सा, मतलब कि 10 रुपए का टोटका है, ये कर सकते हैं। उसके बाद ये कि मुरिंगा, उसके साथ फुलर अर्थ, उसके साथ जो शहद और रोज वाटर, इसका मिक्स करके उसका लेप लगाएं। तो उसके अंदर भी, मुरिंगा के अंदर भी ऐसे कंपाउंड्स मौजूद है कि जो सेल डैमेज्ड है ना उनको रिपेयर कर देंगे और बाकी चीजें भी बेहतर कर देगी। सर, हम अलसी को गर्मियों में खा सकते हैं? ये लगाने की मैं बात कर रहा हूँ। और खाने के लिए ये है कि आप अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, बहुत अच्छे हैं, और इसका फाइबर बहुत अच्छा है आपके स्टोमक के लिए, गट हेल्थ के लिए। तो वो जो कंसेप्ट है कि अलसी हमने कौन सी रोज खानी और ज्यादा खानी है, आप सिंपल आधी चम्मच अलसी हफ्ते में 2 या 3 दफा खा सकते हैं गर्मियों में भी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी हमें टिप्स दी हैं, और ये जो आपने टिप्स दी हैं इनको मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लाई करूँगी। और अगर आपने सर की वीडियोस देखे और आप अपनी स्किन को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो इनके चैनल को और इनके पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।